दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यूपी की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन कई सारे लोगों को पेमेंट रिजेक्टेड हो रहे हैं, पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में उनके मन में सवाल है कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन का रिजेक्टेड जो वृद्धावस्था पेंशन है उसका पैसा कब मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। किसी किसी का 12,000 है, किसी का 42,000 दिख रहा है, वो पेमेंट रिजेक्टेड हो रहा है। तो अब रिजेक्टेड होकर के पेमेंट कितना आपको पैसा मिलेगा, आधा मिलेगा या कम मिलेगा, या जितना रिजेक्ट हुआ है उतना मिलेगा, ये पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वृद्धावस्था पेंशन का पैसा लगातार ही भेजा जा रहा है और जिन लोगों का पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है उनका भी पैसा यहां पर डाला जा रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। किसी किसी का 29 अगस्त को पेमेंट रिजेक्ट हुआ था तो उनको यहां पर 30 अगस्त को डाल दिया गया या 31 अगस्त को भेज दिया गया। इसके बाद सितंबर में भी 2 तारीख को भेजा गया है, 3 तारीख को आज भी पैसा डाला गया है। तो रिजेक्टेड जिनका भी पेमेंट हुआ है उनका पैसा डाला जा रहा है, भेजा जा रहा है। यदि अभी तक आपका रिजेक्टेड पेमेंट दोबारा से नहीं डाला गया है तो इंतजार करें, वेट करें, आपको भी रिजेक्टेड पेमेंट दोबारा से आपका पैसा भेजा जाएगा। अगर आपका पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, दोबारा अभी तक पेमेंट नहीं लगा है, पीएफएमएस पर शो नहीं हो रहा है, तो इंतजार करें, लगातार यहां पर रिजेक्टेड पेमेंट दोबारा से डाले जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है और यदि आपका पेमेंट रिजेक्टेड पेमेंट लग गया है, रिजेक्ट होकर के पेमेंट लग गया है, पीएफएमएस पोर्टल पर शो हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि कितना आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपका पेमेंट रिजेक्टेड हुआ, जैसे कि मान के लिए 12,000 हुआ है या 42,000 हुआ है, किसी किसी का मैंने देखा कि 42,000 दिख रहा है, वह पेमेंट रिजेक्ट हो गया है, किसी किसी का 12,000 दिख रहा है, किसी का 6,000 दिख रहा है, तो अगर आपका पेमेंट रिजेक्टेड हुआ है तब आपको कितना पैसा मिलेगा। जितना आपका रिजेक्टेड हुआ है क्या आपको उतना ही पैसा मिलेगा या उससे कम मिलेगा या आधा पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ज़्यादातर जो देखा है, मैं आपको यहाँ पर 2 रीज़न बता देता हूँ। 2 रीज़न में ही ज़्यादातर रिजेक्टेड पेमेंट हो रहे हैं। पहला रीजन है आधार इज नॉट सीडेड का, इस तरीके का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। अगर आपका भी एरर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आधार इज नॉट सीडेड वाला जो प्रॉब्लम है यहां पर दिख रहा है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपका इस कार्ड इस एरर के वजह से रिजेक्ट हुआ है, आधार इज नॉट सीडेड और इनएक्टिव कुछ इस तरीके का लिख करके आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर पैसा कम मिलेगा। जितना आपका पैसा दिख रहा है, मान के चलिए 12,000 है, 18,000 है, तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे आपको कम पैसा मिलेगा, हो सकता है कि उससे आधा पैसा मिले। अगर आपका 12,000 है तो 6,000 ही मिले, अगर 18,000 है तो 9,000 मिले या उससे भी कम, 6,000 मिले या 3,000। तो कहने का मतलब यही है कि उससे आपको कम ही पैसा मिलेगा जितना आपका इस एरर के वजह से रिजेक्टेड पेमेंट दिख रहा है, तो उससे आपको कम ही पैसा मिलेगा। और दूसरा जो ज़्यादातर एरर दिख रहा है रिजेक्टेड पेमेंट में, वह भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। UID does not belong to beneficiary, UID form बेनिफिशरी फाइल, कुछ इस तरीके का एरर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में अगर आपका प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा वाला एरर CPE 0037 का एरर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जितना भी पेमेंट रिजेक्ट आपका दिख रहा है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। अगर आपका CPE 0037 में रिजेक्ट पेमेंट हुआ है, मान के चल के 6,000 पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, तो आपको 6,000 ही पैसा दोबारा से जब पैसा डाला जाएगा तो 6,000 ही आपको मिलेगा। मान के चलिए 3,000 हुआ है अगर इस प्रॉब्लम में, तो आपको 3,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कितना आपको पैसा मिलेगा, आपको कन्फर्म हो गया होगा कि रिजेक्टेड हो करके आपको कितना पैसा मिलेगा। ज़्यादातर 2 ही एरर की वजह से पेमेंट रिजेक्टेड हो रहे हैं, और पहला वाला जो एरर था आधार नॉट सीडेड वाला, अगर आपका NPCI है तभी आपको पैसा आएगा। पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका NPCI है या नहीं, यदि NPCI नहीं है तो आपको पैसा आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि रिजेक्टेड होकर के पेमेंट कितना पैसा आपको मिलता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।